बहुत से बंदों को बेचैनी लगी हुई है कि फ्लैट्स कब खुलेंगी, फ्लैट्स कब खुलेंगी, खुद की तरफ नहीं देख रहे हैं। यानी कि आपने आपका ये काम बढ़ गया जी, आपकी छुट्टी बढ़ गई है, आपने जो वैक्सीनेशन की तमाम तरह शरायत जो सऊदी अरब ने रखी हुई है वो कंप्लीट कर ली है। भाई खुद की तरफ देखे, खुद को क्लियर करें, फ्लैट्स तो ओपन हो जाएंगी और इंशाल्लाह ताला जल्द होंगी। तमाम तरह तफसील आप भाई को मैं अभी इस वीडियो में बता देता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में, आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। भाई इंटरनेशनल फ्लैट्स के मुतल्लिक आपको पता ही, बिलाल अकबर साहब की तरफ से कल एक ट्वीट सामने आ चुकी है और मैं उसके मुतल्लिक आपके साथ वीडियो भी शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पर आपको दिखा भी रखा हूँ जिसमें बिलाल अकबर साहब ने एक बंदे को रिप्लाई किया था कि भाई नवंबर में यानी कि 11वें माह में इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल फ्लैट्स सऊदी अरेबिया की बहाल हो जाएंगी और मुझे पूरी उम्मीद है फैमिलीज के लिए, विजिट वीज़ा वालों के लिए, जो एक आम मेरे छुट्टी वाले इकामा वाले भाई यानी कि लेबर हजरात जो यहाँ छुट्टी के ऊपर गए हुए थे, सात सात आठ आठ दस दस माह हो गए कई बंदों को, तो भाई वहाँ पर ही मुकीम है। एक चीज़ आपके साथ मैं वीडियो के शुरू में ही क्लियर कर दूँ कि जो मेरे भाई दूसरे माह से पहले, ठीक है जी, यानी कि पहले माह में, दूसरे माह के स्टार्ट में या पहले माह के आखिर में छुट्टी गए, उनके ना तो इकामे बड़े हैं ना ही उनकी छुट्टी बड़ी है। ये जो इकामे बढ़ने का सिलसिला है भाई, ये दूसरे माह से स्टार्ट है, ये अपने जहन में रखिए। और अभी इंटरनेशनल फ्लैट्स के मुतल्लिक कुछ न्यूज ऐसी वायरल की जा रही है जिनमें बताया ये जा रहा है कि आज रात कल रात 12 बजे से इंटरनेशनल फ्लैट्स बहाल हो जाएंगे। यहां पर आपको मैं एक स्क्रीनशॉट भी दिखा रखा हूं जो कि कल टिकटॉक के ऊपर ये वीडियो बंदे ने लगाई हुई थी, 30-40 हजार बंदों ने ये वीडियो लाइक की हुई थी और लाखों की तादाद में बंदों ने ये वीडियो देखी भी होगी भाई। तो ऐसी वीडियोस के ऊपर यकीन मत कीजिए। आपको इंटरनेशनल फ्लैट्स के मुतल्लिक सबसे पहले कोई इंफॉर्मेशन भाई मिलती है तो वो किसी आप कंफर्म जराए से पता करें, यानी कि वजारत दाखिलिया का आप पेज लाइक कर सकते हैं ट्विटर के ऊपर या बिलाल अकबर साहब को फॉलो कर सकते हैं ट्विटर के ऊपर, इनकी तरफ से भी। अच्छा अभी बिलाल अकबर साहब ने जो बयान दिया है इसके मुतल्लिक थोड़ी बात कर लेते हैं। कुछ भाई यहां पर इसके नीचे बहुत से कमेंट कर रहे थे कि अभी हम वेट करें या दुबई के रस्ते आ जाएं, तो आपको मैं बताता हूं भाई, बिलाल अकबर साहब ने अपनी तरफ से इंशाल्लाह बोलकर यह कह दिया है कि नवंबर में इंटरनेशनल फ्लैट्स बहाल हो जाएगी, ठीक है जी। अभी इसके मुतल्लिक आप ये अंदाजा कर लें कि ये 100% 100% बात सही है तो ये भी एक गलत बात है। क्यों भाई? बिलाल अकबर साहब ने आप भाइयों के साथ इंशाल्लाह बोलकर बात कर दी है लेकिन इसके मुतल्लिक कन्फर्म नहीं है। मैं आपको यकीन से यह बात कह सकता हूं कि बिलाल अकबर साहब को भी अभी तक इसके मुतल्लिक 100% कन्फर्म नहीं पता है कि नवंबर में ही खुलेंगी। भाई ये सऊदी वजारत दाखलिया की मर्जी है, उसकी जब वो ऐलान करते हैं उससे चंद घंटे पहले या एक दो दिन पहले सवेरे पाकिस्तान को वो आगाह कर सकते हैं और वो भी इस शर्त के ऊपर कि आप उस वक्त तक सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी कोई भी न्यूज 100% यानी कि गारंटी से नहीं ट्वीट करेंगे जब तक हमारी तरफ से ऐलान नहीं किया जाता है जी। ये अपने ज़हन में रखिएगा, सबसे पहले वजारत दाखलिया ही ऐलान करती है, उसके बाद ही सवेरे पाकिस्तान या कोई और बंदा आपको बता सकता है। तो अभी आप वाई के थ्रू की बात हम कर लेते हैं भाई। बात यह है कि अक्टूबर चल रहा है, आपको पता ही आज कितनी तरीक, 12-13 जब आप वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पता नहीं क्या डेट होगी, तो अक्टूबर चल रहा है जी। अक्टूबर के आखिर में तक आप दादा करें कि अभी 15 से 20 दिन पड़े हुए हैं, उसके बाद बिलाल अकबर साहब की जो ट्वीट है नवंबर की, यानी कि नवंबर की भी 10 तारीख को खुलती है, 15 तारीख को खुलती है या 20 तारीख को खुलती है, ये भी कोई कन्फर्म नहीं है। तो इसके मुतल अभी कुछ भाई वाई के मुतल बात कर रहे हैं, तो आप भाई ऐसा करें, आप अगर वाई के थ्रू आना ही चाहते हैं, आपकी पोस्ट अच्छी है या जॉब अच्छी है, आप पैसे अच्छे कमा रहे हैं सऊदी अरेबिया से, तो फिर आप दुबई के थ्रू आ जाएं, वो बेस्ट है जी आपके लिए, आपका खर्चा भी कम होता है और सेफ जगह है, कीनिया वाले मामला यहां पर नहीं चलेंगे। अगर आप यहां पर जॉब करते हैं कम जॉब है, यानी कि 1500, 2000, 2500, 3000 के अराउंड में आप काम करते हैं सऊदी अरेबिया में, इतना कमाते हैं, तो मेरा मशवरा भाई आपके साथ फिर आपको यही है कि फिर वेट करें और फ्लैट्स खुलने का इंतजार करें, आपके इकामे बढ़ाए जा रखे हैं। और इकामों के मतलब बात करूं, बहुत से बंदे भाग रखे हैं जी कि इंटरनेशनल फ्लैट्स भाई कब खुलेंगी कब खुलेंगी, खुद का पता ही नहीं है कि मेरा इकामा बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, मेरी छुट्टी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, इसके मतलब पता ही नहीं है कि मेरा इकामा भी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, छुट्टी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, मैं इसको कैसे बढ़ाऊंगा, कैसे बढ़ा सकता हूं। ऐलान तो सऊदी गवर्नमेंट ने कर दिया है भाई, आप खुद भी तो थोड़ी हरकत करें, अगर नहीं बढ़ी है तो किसी से रابطہ करें, कुछ मालूमात लें। मैं इसके मुतल्लिक भी आपके साथ वीडियो शेयर कर चुका हूं पहले, अपने ही काम में अपनी वैक्सीनेशन की जो आपकी शरायत वगैरह है वो, अपनी छुट्टी वगैरह, ये तमाम तरह चीजें जब फ्लैट्स ओपन हो ताकि आप भाई डायरेक्ट सफर कर सकें सऊदी अरेबिया का, आपको कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं हो, यानी कि आप टिकट लें और सऊदी अरेबिया आ जाएं। तो इन चीजों के ऊपर गौर करें, फ्लैट्स इंशाल्लाह ताला जल्द बहाल हो जाएंगी और आपके इकाम में छुट्टी वगैरह भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से तो बढ़ाए जा चुके हैं, मजीद आप भाई इनके ऊपर गौर करें।